सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले देख सके मेरे व्लॉग्स। Hey guys, what's up? Welcome back to another video. तो क्या हालचाल भाइयों का सबके, हमारा भाई ले आया एक और बढ़िया सी वीडियो, एक नंबर। आज की वीडियो होने वाली है 15 अगस्त पे पतंगों की वीडियो बनाएंगे हर साल की तरह। इस बार थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ, एक महीना पहले जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि सीन ये रहता है कि जब मैं पिछले 2 सालों से जा रहा हूँ तो मैं लेट ही जाता था, अगस्त के महीने में जाता था 5-10 तारीख को। तो उस टाइम पे वीडियो बहुत कम बनती थी, बहुत मुश्किल से बनती थी, क्योंकि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता था, कस्टमर्स वगैरह आते थे या जो भी बात है। तो जा रहा हूँ चावड़ी बाजार पतंगों की मार्केट बनाने में, सब कुछ बताऊंगा एज यूजुअल, चरखड़ी जो भी ये सारी चीजें, पतंगे मांझा, और एड्रेस मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। चलते हैं, आज दिखाता हूँ पतंगे, फन आने वाले हर साल की तरह, तो लेट्स गो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब भूलना मत बिल्कुल भी, रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करो। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई लोग, मैं पहुंच चुका हूँ चावड़ी बाजार पतंगों की मार्केट में, और इस बार सच बता दो काफी कम भीड़ है एज कम्पेरिजन टू पिछले साल। ऑब्वियस सीजन है कोविड, पतंगे लेकिन अभी बहुत लगी हुई, एक महीने पहले चालू करते हैं और दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया पतंगे। भाई अभी मैं आया हूँ पहली शॉप पे, और यहाँ पे एज यूजुअल चरखड़ियाँ चरखड़ियाँ पतंगे पतंगे। ये शॉप की मैंने पिछले साल एक बार बना रखी है और काफ़ी सही व्यूज आए थे, तो इस बार दोबारा, और वन ऑफ द बेस्ट शॉप है। भैया से मिलाता हूँ, कार्ड वर्ड सब बताएंगे। तो ये रहे हमारे भैया। भैया थोड़ा दुकान के बारे में बताओ, कैसा मांझा मिलता है, कि कौन सी पतंग, सब बताओ एक बार। सबसे पहले तो आपका नेम गाइड में स्वागत है भाई। मेरी जो दुकान है, हमारी दुकान में बिजनेस को कम से कम 28 साल हो चुके हैं, 14 साल से इसी शॉप पर है। इससे पीछे हमारे पहले एक और शॉप थी वहाँ पे पीछे हमारे लाल गेट की। तो आपको और पतंग की आपको मैं वैरायटी आपको दिखाना शुरू कर देता हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं पतंगे, जैसे कि अभी देखें तिरंगे में छोटे में, इसको एसटी बोलते हैं, 190 रुपए की 100 पड़ेंगी। अच्छा, ये उसको बोलते हैं ढाई वाला साइज, ये रामपुर की होती है, ये आपको 350 रुपए की पड़ेगी। तो ये मटेरियल बढ़िया है, कोई सस्ता कागज नहीं है, देख लो एक बार। ये आपको बैठेगी मंजोली। अच्छा, ये अगर आप रिटेल में लेंगे 500 रुपए, होलसेल में लेंगे 400 रुपए पड़ेगी। अच्छा, 100, बट होलसेल में कम से कम आपको 300-400 पीस लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको बरेली का मंजोला पड़ेगा, ये अगर रिटेल में लेंगे 550, होलसेल में लेंगे 450 रुपए पड़ेगी। क्या बात है, ये आपकी अद्धी आ गई, जो सबसे ज्यादा फेमस चलती है हमारी अद्धी के अंदर। ये अगर रिटेल में लेंगे 600, होलसेल में लेंगे 520 रुपए। अच्छा, क्या बात है। तो ये सारे मतलब बिल्कुल नॉर्मल मीडियम साइज है, थोड़े बड़े आएंगे। अब ये अब हम चालू करते हैं अद्धे पौने से, ये आपका फैंसी अद्धी आ जाएगी 600 रुपए। 600 रुपए, ये भी उसी का डिजाइन होगा। ठीक, ये भी 600 रुपए, 600 की 100 है, सब उसके हिसाब से बता रहे हैं। और ये देखिए, ये भी 600 है। क्या बात है, ये सब गुड्डे गुड्डे माने जाते हैं जो की आते हैं। ये आ गए हमारी पौने की पुच्छल। अच्छा, ये कितने की है? ये आपका बैठेगा 650 रुपए होलसेल में, और रिटेल में 800 रुपए। क्या बात है, जिसको ये सब कहते हैं लग्गू, जिसको कोई बच्चे कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। हाँ, गुड्डा गुड्डा सब बोलते हैं, बोलते हैं कोई फूले पतंग बोलते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ये कितने का बैठेगा? 700 रुपए सैकड़ा, ये पौने में है। अच्छा, और ये जो पतंग है आपको दिखाई लग्गू, ये इतना बड़ा सिर्फ आपको नाइन गाइड हाउस पे ही मिलेगा। क्या बात है, और एक ये नई पतंग हमने बनवाई है, ये परी लग्गू के अंदर। अच्छा, ये आपको मिलेगा 750 रुपए, ये उससे थोड़ा बड़ा साइज है, और इससे बड़ा ही है। हाँ, ये थोड़ा बस 750 की 100 है, 7.5 की 1, और ये भी उसी के साइज की। और तावे के अंदर। अच्छा, ये लग्गू अभी तक लाइफ में और इंडिया में लाल कोई की मार्केट में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा लग्गू है। क्या बात, आपको बैठेगा 800 रुपए से अगला, 800 रुपए की 100। क्या बात है, और ये एक और गुड्डा बरेली मैदानी पोले के अंदर, ये आपको बैठेगा 800 रुपए से अगला, 800 की 100। क्या बात है भाई, सारी बड़ी बड़ी पतंगे हैं, अभी और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसी के अंदर हम बात करते हैं, फिर ये आता है हमारा, ये अपना फैंसी में चालू आइटम होती है, ये आपको बैठेगा 650 रुपए, 650 की 100, 650 की 100। क्या बात है, 6.5 की एक पड़ गई, और ये आ जाता भाई साहब, ये बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी। ये कितने की पड़ेगी भैया? ये अगर सैकड़ा लेंगे तो आपको 1600 रुपए। अच्छा, और एक चौका लेंगे तो आपको 100 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए का एक। क्या बात, कितना फर्क है भाई, बहुत ही बड़ी है। मेन जो मोटिव होता है हमारा होलसेल पे रहता है। अच्छा, हाँ, रिटेल हम कम रखते हैं। अब ये थोड़ी पन्नी में आ गई है, ये छोटे बच्चों की, ये कितने की पड़ेंगी? ये आपको बैठेगा 260 रुपए, 260 की 100। 100, ठीक है, ये बैठेगी आपको 380 रुपए की 100, 380 3.8 की या 4 की जैसे मान लो आप, बट ये कम से कम जब आप 100 लेंगे तो ये रेट लगेगा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही है। 4-5 लेंगे तो 5 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, रिटेल का प्राइस अलग है, होलसेल का प्राइस अलग है। ये आपको बैठेगा 370 रुपए की 100, 370 की 100।
ये आ जाते हैं पौने पे। अच्छा, ये उनसे बड़ी है काफी, ये कितने की पड़ेगी? ये आपका बैठेगा 450 रुपए की। 450 रुपए की। और वैसे अगर एक वगैरह ले तो 5-6 रुपए की। 5-6 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। और ये पन्नी की है फैंसी, ये कितने का पड़ेगा? एक 600 रुपए की सौ पड़ेंगे। और अगर एक ले तो? एक लेंगे अगर चौक लेंगे तो 10 रुपए का पड़ेगा। 10 रुपए के। कौन सी? ये बताना जरा। ये पन्नी में लग्गू बोलते हैं इसको। अच्छा, ये आपका 380 रुपए की पड़ेगी। 380 की सौ। तो देखो भाई, पन्नी इनके पास बहुत सारे डिजाइन है, अंत डिजाइन है, ऐसा नहीं यही है, बस इन्होंने साइज बताया और अप्रोक्सीमेटली इतना ही रेट पड़ेगा। और भी ये कौन सी है? ये पन्नी में लग्गू आ गया और ये गोल राउंड में आता है। अच्छा, ये कितने की पड़ेगी? 400 रुपए। 400 की सौ। भाई यहाँ पतंगों का भरमार है, आपको जितनी पतंगे चाहिए ऊपर भी बहुत रखी है। वहाँ पे भैया ने दिखाई है अभी मेरे को, आप वीडियो वहाँ से शूट कर लेना, वहाँ से दिखेंगे कहाँ तक पतंग पड़ी थी। बहुत पतंगे। और ये देखो यहाँ पे भी कुछ पड़ी है, अलग अलग डिजाइन है सारे, तो पतंगों की कोई कमी। अभी भैया थोड़ा मांजा दिखाएंगे, ये लाए हैं मांजा। ये है रियासत की चरखी। अच्छा, झूठ बोलने को 6 रील होती है, बट इसमें 500 मीटर के 6 निशान होते हैं। अच्छा, ये 280 रुपए का एक पीस पड़ता है। क्या बात है, मांजा एकदम बढ़िया लग रहा है। ये हम बात करते हैं पांडे की, तो सबसे फेमस है C28। ये कितनी रील है इसमें? इसमें झूठ बोलने को 3 रील होगी, बट ईमानदारी के इसमें 2.5 रील होंगे। अच्छा, इसमें रील जो है वो 800 मीटर का एक रील होता है। ये पीस आपको पड़ेगा 350 रुपए का। 350 का। भाई मांजा बहुत ही फाइन है, बिल्कुल धार वाला मांजा है, बिल्कुल धार वाला पतला मांजा। स्टैम्प जो होगी 3 रील की होगी। अच्छा, पर्ची 3 आएंगी, मगर इसमें हमारे पास झूठ बोलने वाला काम नहीं है, जितना माल होगा उतना बताया जाएगा आपको। तो भैया ढेल खिंच का क्या होता है, कुछ होता है फर्क होता है? कुछ होता है, बड़ी पतंग की डोर होती है, पांडे से कम अधिक फोनी तावी उड़ाई जाती है, इससे 2-3 वाली पतंग नहीं उड़ती। और सबसे मैं चीज तो सर्दी की मानी जाती है, पांडा उल्टे बल का होता है। अच्छा, और नॉर्मल मांजे सीधे बल का होता है, तो खेत चील सब चलता है ना। हाँ, तो ये थोड़े बड़े आ रहे हैं भाई, ये 3-3.5 रील वाले थे। और ये प्लास्टिक मांजे क्या सीन, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी ने ले भी लिया तो सिविल के अंदर इतने मुगिर फिर रहे हैं यहाँ पे कि आपको कम से कम 50,000 रुपए का फटका पड़ना तय है। दुकानदार आपको खुद सेल करेगा और खुद फंसवाएगा। तो भाई ले मत लेना गलती से, पांडा यही बढ़िया है, धागे वाला मांजा यही। अगर आप मेरी चरखी की जो देख रहे हैं आप, ये इतनी बड़ी, क्या बात है, ये पूरी मार्केट में इसको 6 रील बोल के बेचा जाता है। अच्छा, पांडे का, बट पांडा 6 में आता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी झूठ है कि पांडा 6 में आता है, पांडा 6 आता ही नहीं है कभी। ये इसमें जो होंगे 3 रील होंगे, मगर 3 रील होंगे पूरे वाले। अच्छा, ये रियासत का पांडा होगा, फुल धार वाला मांजा। भाई कितने का पड़ेगा ये? ये बैठेगा आपको 450 रुपए का पीस। 450 रुपए। जैसे कि तो भाई ये वाले जो प्राइस आपको हम बता रहे हैं, ये अभी मैं 1 महीने पहले आया हूँ, अगर ये बाद में आओगे तो ये प्राइस तो बढ़ते रहेंगे। इंक्रीज होना है, ये तो बढ़ते रहेंगे, 10-20% रेट इंक्रीज होगा। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, क्या ये इतनी बड़ी चरखी है, आप वजन भी देखेंगे तो इसको 6 बोला जाता है, मगर इसमें 6 नहीं है। अच्छा, ये कितने होंगे? 6 पर्चे आएंगे, मगर इसमें ईमानदारी 5 रील है। कोई भी एक दुकानदार कहते कि 6 है तो पांडा 6 में आता ही नहीं है। पांडा 5 है भाई, पांडा 5 है मैदानी के अंदर, फुल धार वाले मांजे। कितने का पड़ेगा ये? बैठेगा आपको 550 रुपए का पीस। 550। कोई 5 होंगे, पूरे 5 होंगे, उसमें कोई 6 में डिवाइड करा जाता है। अब आप बात करते हैं 6 रील के अंदर। ये एक नया, ये 6 रील है प्रॉपर। जितने पुराने उड़ाने वाले हैं वो सब जानते हैं यासीन खान की डोर कैसी होती है। ये पूरे 6 रील में होगा, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगी। ये आपका सी पीस पड़ेगा 650 रुपए का। 650 रुपए का। और इसी के अंदर मेरे पास 450 वाले भी हैं। अब आप सबसे मेन चीज पहले चरखी नोट कर लीजिए, बड़ी है भाई ये वाली, वरना बहुत से कहते हैं भाई एक ही चरखी को उठा के आप रेट कम बता रहा हूँ, ज्यादा बता रहा हूँ। ये कितनी रील होंगी? इसमें 5 होंगी। अच्छा, 5 को 6 में डिवाइड होगा, ये 450 रुपए का पीस पड़ेगा। 450। भाई सारे मांजे एकदम धार वाले हैं, बिल्कुल टॉप क्लास मांजे हैं। अगर हम ये बात करते हैं 12 रील के अंदर मैदानी में, सबसे ज्यादा भी वैसे 12 रील ही आती होगी, रील से ऊपर तो नहीं आता। 12 से ऊपर नहीं आता, क्योंकि चरखी भी ज्यादा हैवी हो जाती है, फिर टूटने का रिस्क रहता है। ब्लू कलर का मांजा भाई, जाफरी में 12 ना मैदानी के अंदर। ओ भाई ये तो गजब है, ये कितने का पड़ेगा? ये बैठेगा आपको 1100 रुपए का पीस। 1100 रुपए का, क्योंकि इसमें खाली चरखी, चरखी 200 रुपए की चरखी लगी हुई है, तो इसमें पूरी 12 होंगी। इसमें पूरे 12 होते हैं, पूरी 12 होती है। ये जो चरखी आप देख रहे हो ये बैकलेट बोलते हैं इसको। अच्छा, ये पूरा पेंद पूरा खाली होता है इसका, ये है ओरिजिनल ग्लाइडर भाइयों। ये है आपका 9 तार के अंदर, पूरा मैदानी के अंदर 9 तार। हाथ फेरेंगे तो डोर ऐसी लगी माना जैसे आप लोहे के तार पे हाथ फेर रहा हूँ। इसके अंदर 6 रील में भी है मेरे पास, जो 5 के 6 होते हैं, वो गोदाम में रखा हुआ है। भाई काफी मोटा मांजा है, इससे तो भारी पतंगी उड़ाई जाती है। आप तावा, 2 तावा आप यूं उड़ाओगे आराम से 4 होगा। क्या डोर इतनी मजबूत है, बहुत मोटा मान जाए। और ये कितने का पड़ेगा? ये आपको बैठेगा भाई 650 रुपए। 650। 3 रील है भाई, 9 तार है, काफी मोटा है, ईमानदारी पूरे 3। भाई मांजे यहाँ पे अंत है, पतंगे भी बहुत सारी हैं, वो देख लो एक बार, और भी है ऊपर देख लो भाई, पतंगे पतंगे भरी है वहाँ पे, तो इतने नहीं दिखा सकते। तो भैया कुछ खाली चरखी का रेट बता दो।
और भैया एक बात बताओ, सबसे कम चरखड़ी आपके दुकान में कितने की मिलेगी? अगर हम रील उतार के बेचते हैं तो 120 रुपए की चलती होती है। अच्छा, चरखी और एक पूरा रील होगा 1000 मीटर का। और सबसे ज्यादा होगी ये 12 रील भाई? 12 रील, 12 से ऊपर आता नहीं। अगर कोई कहेगी 16-18 तो झूठ बोल लिया। अच्छा, और ये कुछ खाली चरखड़ी कितने की पड़ेंगे? ये अगर आप होलसेल में लेंगे 22 रुपए, रिटेल में लेंगे 30 रुपए। ठीक है, 28 रुपए थोड़ी बड़ी है, 35 रुपए। ठीक, और ये वाली 35 और 40? 35 और 40 भाई, बढ़िया है। डिपेंड करता है मटेरियल, जैसी आपकी क्वांटिटी होगी उतने रेट में हम कंसेशन कर देंगे आपको। क्या भाई, ये रहा इनका कार्ड, वैसे तो बहुत फेमस है, अगर इस नंबर पे फोन कर ले कोई दिक्कत नहीं, फोन कर लो। और पीपल के पेड़ के पास है, काफी फेमस दुकान है इनकी। तो भाई ये वाली गली के सामने दुकान है, बिल्कुल मेन रोड पे, बहुत फेमस है। और आपको फोन नंबर मैंने बता दिया, भैया का नाम बता दिया, शॉप दिखती है, भैया मिलेंगे। तो भाई जब सीन कुछ ऐसा है, हमें वीडियो बनवा ही नहीं रहे, मुझे नहीं पता क्यों। मैं एक महीने पहले आया था, मुझे लगा बहुत सारे बंदे बनवा लेंगे। हम लोगों को अंदाजा हो गया होगा क्या रेट है, और बार्गेन जरूर कर लेना जब भी यहाँ पे आओ। सब कुछ मिलता है पतंगे मांझा, हर साल बताता हूँ, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे वीडियो, टेक केयर, नमस्ते।